हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो आज हम अपने इंग्लिश की क्लास में स्मॉल लेटर्स के न्यू टू लेटर सीखेंगे, है ना। लास्ट क्लास में हमने सीखे थे ए एंड बी, आज हम सीखेंगे सी एंड डी। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर आप इनको अच्छे से समझ रहे हो तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। ढंग से देखा कीजिए वीडियो ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि किस लाइन में लिखना है, कैसे लिखना है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो सी, सी हम कैपिटल लेटर में ऐसे लिखते है ना, और अब हमें कौन सा लिखना है स्मॉल लेटर में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब ए लिखना सिखाया था तो ए से पहले क्या सिखाया था, स्मॉल कर्व सिखाया था ना, स्मॉल कर्व। स्मॉल कर्व सेम सी की तरह ही है, ठीक है, ऐसे। ये है कैपिटल लेटर का सी और ये है स्मॉल लेटर का सी। अब इनमें डिफरेंस क्या है, कैपिटल लेटर में हमने जब सी लिखा था तो हमने थ्री लाइंस को कवर किया था, है ना, और जब हमने स्मॉल लाइन में सी लिखा है तो हमने कितनी लाइन को कवर किया है, ओनली टू लाइंस को। तो हमें स्मॉल लेटर में सी ऐसा लिखना है, दिखने में बिल्कुल सेम है बट वो ओनली मिडिल लाइन में लिखना है और कैपिटल वाला फर्स्ट थ्री लाइंस में। देखो कैसे लिखना है, सी सी। सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे और थर्ड लाइन पे एंड कर देंगे, सी सी। ठीक है, कैपिटल लेटर में हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते थे बट स्मॉल लेटर में हम सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे और सेम थर्ड लाइन पे एंड करेंगे। क्या लिखा है ये हमने, सी सी। देखो बेटा ऐसा ही लिखना, एकदम नीट एंड क्लीन, बार बार इरेज नहीं करना, इरेज करने से आपकी नोटबुक गंदी हो जाएगी, ऐसे। अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना कि कैसे लिखना है, किस लाइन में लिखना है, तो आपको इरेज करने की नीड ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने कौन सा लेटर सीखा है, सी। नेक्स्ट लेटर है हमारा डी। डी हम कैपिटल लेटर में कैसे लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन एंड अ बिग कर्व। बट अब हमें कौन सा सीखना है, स्मॉल लेटर, है ना, स्मॉल सीखना है। तो स्मॉल में मैंने आपको लास्ट क्लास में जब ए सिखाया था तो बी भी सिखाया था। बी में हमने क्या किया था, पहले स्टैंडिंग लाइन और फिर बनाया था उल्टा सी। बट अब हमें क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन करनी है और जैसे ये हमने सी बनाया है ना, सेम ऐसा ही सी ऐसे। ये है हमारा डी, कैसे करना है, स्टैंडिंग लाइन और सीधा सी, डी स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। क्या है ये, डी। डी में बनता है बेटा सीधा सी और बी में बनता है उल्टा सी, समझ में आ रहा है। जब हम बी लिखते हैं तो उसमें हम उल्टा सी बनाते हैं और जब हम डी लिखते हैं तो डी में हम सीधा सी बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या लिखना है, डी स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, स्टैंडिंग लाइन कर्व। क्या लिख रहे हैं हम, डी सी एंड डी। सी बिल्कुल हार्ड नहीं है, सी कैपिटल लेटर के सी की तरह ही है बट उसको
ओनली मिडिल लाइन में लिखना है, डी भी हार्ड नहीं है क्योंकि जब आपने बी सीख लिया तो आप डी भी सीख जाएंगे, बस बी में उल्टा सी बनाना होता है और डी में सीधा सी, ये हमने लिखा है बी। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से लेटर सीखे हैं, सी एंड डी। तो बेटा आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और मुझे सेंड करिएगा। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पोएम सिखाई थी अर्ली टू बेड, उसकी एक बार रेपिटेशन करेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, तो ये पोएम भी लर्न कीजिएगा और ये वर्क भी अच्छे से करिएगा। बाय।